संस्कृति में मृत्यु में बाद आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए पिंडदान करने की परंपरा रही है और बिहार के गया जी को देश विदेश में मोक्ष धाम के रूप में जाना जाता है। वैसे तो पूरे साल गया में पिंडदान किया जाता है, लेकिन आश्विन मास के दौरान प्रतिवर्ष पड़ने वाले पितृपक्ष के मौके पर पिंडदान का विशेष महत्व है। विश्व में पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली मोक्ष स्थली बिहार के गया जी में चार श्रद्धालु हॉलैंड नीदरलैंड से पूर्वजों के आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए विष्णुपद मंदिर स्थित देव घाट पर पिंडदान किया। इनमें तीन महिला संद्रावत लीलावती मीना कोमरी और एक पुरुष चंद्र कुमार रविवार की देर शाम गया जी पहुंचे। वैदिक मंत्रोच्चार कर अपने पितृदोष से मुक्ति के लिए कर्मकांड किया। इन श्रद्धालुओं को गयापाल पंडा ने पिंडदान के कर्मकांडों को पूरा कराया। मौके पर संद्रावत ने कहा कि मैं यहां पितृदोष से मुक्ति के लिए पिंडदान करने आई हूं। गया जी में पूर्वजों को लेकर होने वाले इस अनुष्ठान के बारे में मैंने इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा, जिससे यहां आने के लिए प्रेरित हुई। पिंडदान करने के बाद मुझे अलग ही अनुभूति महसूस हुई। मीना कोमरी ने कहा कि उनके परिवार और घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए वह अपने इस पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए यहां आई है। उन्होंने यह भी बताया कि पितृपक्ष मेला में यहां प्रशासन के द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है। गया से मनोज की रिपोर्ट। In Gaya, here's the best plaats, de mooiste plaats wat er is voor om je Pitrapuja te doen. En we hebben het goed ervaren, alles is goed gegaan. En het is wel heel druk. Duizenden mensen die hier komen doen voor deze tijd. Het is echt druk, maar het is wel, je bent wel gezegend als je deze Pitrapuja mag meemaken in je leven voor je voorouders, ouders en overledenen die je mag doen. Dus we zijn heel blij dat we hier zijn gekomen. Your good name? Ik heet Mina Kumari Manohar. From? Uit Nederland. En ik ben hier in Gaya en India, dus Bihar. En we zijn hier gekomen voor de... We willen gewoon Gaya, Jaya Prasad, Prakashkoham, willen wij bedanken omdat hij ons heeft geholpen met alle rituelen en alle pandits en alle pujas te doen. Hij heeft ons met iemand ontmoet die ons heeft alles begeleid.